नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गैस टेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ दिन से टेक न्यूज़ नहीं ला पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे वाला जो अपडेट आ रहा है वो यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसमें कि आपकी वीडियोस में कैप्शंस वगैरह आती थी उसको यूट्यूब सबटाइटल्स की फॉर्म में शो करेगा। ये वेरियस लैंग्वेजेस में शो होंगी और ये अभी यूट्यूब सिर्फ साउंड इफेक्ट्स में अभी शो करेगा, और धीरे धीरे ये यूट्यूब इसको डेवलप करेगा और आपका इंटरफेस और ज़्यादा आसान बनाएगा। अगला अपडेट आ रहा है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने हमें एलुगा रेमैक्स फोन लॉन्च किया है। इसमें दो वेरिएंट रखे गए हैं, 32GB एंड 64GB। 32GB की प्राइस रखी गई है 11,499 और 64GB की रखी गई है 12,499। ये आपको 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ आएगा। इसमें आपको 1.4GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि क्वालकॉम का है, और इसमें आपको 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलेगा। अगला बेटा है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो की तरफ से कुछ रूमर्स आ रही है कि रिलायंस जियो अपनी प्राइम मेंबरशिप को 23 अप्रैल तक एक्सटेंड करने वाला है। मगर दोस्तों, ये रूमर्स है, आप इस पर ना विश्वास करें। और अगर आपको रिलायंस जियो की सर्विसेज लेनी है तो 31 मार्च तक ले लें, क्योंकि क्या पता ये रूमर्स हैं और इसका कोई हम भरोसा नहीं कर सकते। अगला बेटा है नोकिया की तरफ से। नोकिया ने अपना नोकिया 150 फोन लॉन्च किया है, जो कि एक नॉर्मल फीचर फोन है। ये इंडिया में अवेलेबल होगा और इसकी प्राइस रेंज रखी गई है 2,099 रुपीज़। ये डुअल सिम सपोर्ट के साथ आएगा और एक ये नॉर्मल फीचर फोन है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल गैजेट्स टू लिव को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।